अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या है और इसके रिलेटेड आज एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बल्किंग ऑफ सैंड देखें, रेत का फैलाव से कहते हैं उर्दू में। तो इसकी पहले हम उर्दू में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि उर्दू में इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। देखें, रेत के हजम में नमी की वजह से तब्दीली आती रहती है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंजेस आती रहती हैं। जब रेत गीली होती है ना, तो इसके ज़रात के इर्द गिर्द पानी की लेयर बन जाती है, एक तय बन जाती है, जिससे ज़रात एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। हजम में जो होता है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम में ये इजाफा रेत के गीले होने की वजह से होता है, जिसे हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम यूँ कह सकते हैं कि बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स ऑफ सैंड इज द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग सैंड वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। वी ऑल्सो से दैट द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चर अप टू सर्टेन एक्सटेंट इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी। तो अभी इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि एन एग्रीगेट मिक्स ऑक्यूपाइज अ ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर एंड वेट 7.8 kg। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स इज 2.6। फाइंड बल्क डेंसिटी एंड परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। इसका मतलब यह है कि आपको वॉल्यूम जो दिया गया है वो 4 लीटर है और जो वेट है वो 7.8 kg है और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 2.6 और आपको कहा गया है कि हमें जो बल्क डेंसिटी है वो भी मालूम करें और परसेंटेज ऑफ वॉइड्स वॉइड्स की फीसद मकदार भी हमें तलाश करके दें, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट में दिया गया है 4 लीटर और वेट ऑफ एग्रीगेट मास 7.5 kg। बल्क डेंसिटी किस तरह निकालेंगे, जो वेट दिया गया होगा उसको वॉल्यूम यानी कि हजम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.95 kg पर लीटर। इसके बाद देखेंगे परसेंटेज ऑफ वॉइड्स यानी कि जो वॉइड्स की फीसद मकदार है वो किस तरह निकालेंगे, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई होगी उसे माइनस करेंगे बल्क डेंसिटी से जो हमने अभी निकाली है और उसको डिवाइड करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से और आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.6 माइनस बल्क डेंसिटी 1.95 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 25%। तो ये था जी बल्किंग ऑफ सैंड और इसका एक न्यूमेरिकल। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।